नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। त्योंथर रीवा जिले की जनपद शिक्षा केंद्र त्योंथर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला टढ़हर कुटिला में पदस्थ शिक्षक श्री अमृत लाल कोल सदैव नशे के हालात में रहते हैं और अधिकतर विद्यालय से नदारद भी रहते हैं। जब कभी विद्यालय जाते भी हैं, नशे के हालात में देखे जा सकते हैं। पूर्व में भी लगातार शिकायतें मिलती भी रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पदस्थ शिक्षक अमृत लाल लोगों से यह भी कहते सुनते देखे गए कि विभाग में मेरी पकड़ मजबूत है। संकुल केंद्र प्राचार्य कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल त्योंथर जनपद शिक्षा केंद्र त्योंथर के प्रभारी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, जिसको जो शिकायत करना हो करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने संबंधित अधिकारियों को पैसे देता हूँ, मैं विद्यालय जाऊँ या न जाऊँ, नशा करके जाऊँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैं ST हूँ, कोई ज्यादा शिकवा शिकायत भी करेगा तो मुकदमे में भी फंसा दूंगा, जिस कारण शिकायतकर्ता खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। नाम न छापने की शर्तें पर कुछ शिक्षकों ने भी इसकी पुष्टि की है, जो जांच का विषय है, जिसका खुलासा तो जांचों परांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग की इस लचर व्यवस्था का वास्तविक रूप से जिम्मेदार कौन है। सरकार बेसिक शिक्षा को लेकर सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के तथाकथित शिक्षकों और अधिकारियों की मिली भगत से मध्य प्रदेश प्रदेश शासन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे शिक्षक जो नशे के गिरफ्त में हैं और नशे के हालात में विद्यालय जाते हैं, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे शिक्षकों पर कार्यवाही न होना जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि कहीं न कहीं मिलीभगत तो नहीं है। है ऐसे शिक्षकों के खिलाफ समय समय पर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशन भी होता रहा है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग पाए। अधिकतर विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की भरमार है जो नशे के गिरफ्त में है और नशे के हालात में रहते हैं। संकुल केंद्र त्योंथर में एवं संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले अधिकतर विद्यालयों में शिक्षक पदस्थ हैं, जिसका खुलासा भी समाचार पत्र के माध्यम से किया गया कि अपनी जगह दूसरे व्यक्तियों से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ शिक्षक तो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पूरी नौकरी पूरी कर लिया, लेकिन विभाग मूक दर्शक ही बना रहा। एक कहावत चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा सैया भये कोतवाल, तो डर काहे का। ऐसे शिक्षकों और विद्यालयों की जांच आवश्यक है। जांच होगी भी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। शिक्षक मस्त है, अधिकारी पस्त है। आपकी खबर, हमारी नजर। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।